ऐसा व्यक्ति आज हमारी पार्टी में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर एक शुरुआत कर रहा है, दोबारा से अपने परिवार की राजनीति को दोबारा जो है वो वापस ला रहे हैं और उन मूल्यों के लिए जिन मूल्यों के लिए भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वो लोग जिनके साथ इनका परिवार जुड़ा हुआ था, ये एक निरंतर प्रक्रिया जो है, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, पढ़ा लिखा समाज लगातार आज जो है कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रहा है। आज भाई सत्येंद्र कुमार जिनका हम स्वागत करने के लिए यहां बैठे हैं, कल एक और आईएएस जो है और आईआरएस, ये लोग कल लखनऊ में ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सुखद सा ट्रेंड जो है लोगों के दिमाग में आया है और खासकर समाज का वो वर्ग जो ओपिनियन मेकर है, वो वर्ग जो जमीन पर जिसकी पहचान है, वो वर्ग जो गरीबी से उठकर अपने अभावों से उठकर जिसने शिक्षा ग्रहण करके अपने लिए अपने परिवार के लिए स्थान बनाया है, आज वो अपने समाज को और बाकी लोगों को भी वो चाह रहा है कि किस तरह से गरीब अगर उठ सकता है इस चीज में तो कांग्रेस पार्टी उसको आगे ला सकती है। आज दलित परिवार का एक व्यक्ति अपने समाज को और आगे ले जाने के लिए और कल पासी समाज का एक और सीनियर लीडर लखनऊ में ज्वाइन कर रहा है कन्हैयालाल जी। ये एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप प्रथा जो है दिल्ली के अंदर इस बात को जानकारी बहुत जरूरी है, जब लोग कहा करते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में पढ़ा लिखा समाज कांग्रेस की तरफ चल रहा है, ओपिनियन मेकर क्लास कांग्रेस की तरफ चल रहा है। और मैं आभार प्रकट करूँगा गुलाम नबी आजाद साहब का कि जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर जिस तरह से उन्हें देख रेख करके और कांग्रेस पार्टी को जो बढ़ावा दिया है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को जो बढ़ावा दिया है, ये उसका परिणाम है कि आज जमीन पर कांग्रेस नजर आ रही है।